मेरी सगाई होने वाली है ना। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। गाइस क्या हाल है, सारे कमेंट करके जरूर बताना। तो आज हम जा रहे हैं, गेस करो जल्दी जल्दी, गेस करो। अभी नहीं कर पाया ना, देखो मैं बता रहा हूँ भाई, तुम कभी गेस नहीं कर पाओ कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि नेवर लेट यू नो योर नेक्स्ट समन योर नेक्स्ट मूव, किसी महापुरुष ने कहा है। भाई मुझे पता है, अभी गाड़ी में जाके बैठूंगा ना, इतनी गंदी गर्मी लगेगी ना, इतनी गंदी गर्मी, बट स्टिल हैव टू डू समथिंग। और प्रेशा का अपडेट दूँ तो प्रेशा अभी घर से आई नहीं, मतलब अभी वो कॉलेज से पहुंची नहीं है घर तक, अभी उसको टाइम लगेगा। तो उसने मेरे को फ़ोन करके बोल दिया कि तो अभी निकल जा, क्योंकि फिर जहाँ जाना है वहाँ पे लेट हो जाएंगे। और भाई आजकल ना कॉलेजेस वगैरह बहुत चल रहे हैं, क्योंकि पेपर आने वाले तो कॉलेज जाना पड़ता है, वरना स्कूल वाले, वो स्कूल वाले कह रहा हूँ, कॉलेज वाले अटेंडेंस में मतलब पेपरों में बैठने नहीं देते, ये सीन है। तो अभी कॉलेज वाले चल रहे हैं, तो अभी थोड़ा ब्लॉगिंग का थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, स्केड्यूल टाइट चल रहा है। तो अभी मैं तभी जल्दी निकल जाता हूँ, क्योंकि मैं तो कॉलेज जाता ही नहीं। भाई सड़ गया भाई, मैं पूरा जिन सड़ गया, हो गया मेरा काम, हो गया आज का। भाई सामने कोई रिक्शा खड़ा करके चला गया, यहाँ पे मेरी गाड़ी की चुम्बन हो रही है, उसको थोड़ा और पीछे हो जाएगी, अरे बस वो भी चुम्बन हो रही है। टाइम ही रहा भाई, पता नहीं कितना रिक्शा है, दिमाग खराब कर रहा है मेरा, वहाँ मार दूंगा तेरा, शायद तुम भी आ रहा गुटका थूक रहे हैं, मारो। अरे भाई हटा लो यार इसको, हटा लो भाई, थैंक यू भाई, स्माइल कर रहा लोंडा, स्माइली स्माइली। भाई गर्मियाँ ना मेरे को इसलिए भी पसंद नहीं है, एक तो इतनी एनर्जी लेवल लो हो जाता है ना, मेरे बाल देख रहे हो ऐसे फूल की तरह ऐसे फुहारे बन रखे हैं, ये भी पसंद नहीं है मेरे को, ऐसे कटवाने पड़ेंगे, उनको छोटे बाल पसंद नहीं है, बाल कटवा के ना सिर्फ छिले हुए अंडे की तरह शक्ल आ जाती है। लड़के लोग ना, मतलब भाई लोग रिलेट कर सकते हो तुम मेरे से, कि बाल कटवाने से पहले बंदा बढ़िया लगता है, बाल कटवाने के बाद चूम लगता है। भाई अब यहाँ खड़े हैं रेड लाइट पे, प्रेशा जी आने वाली हैं, बट उसको आधा घंटा लगेगा, और मैं कुछ ज़्यादा जल्दी घर से निकल गया तो सोच रहा हूँ यहाँ पे पास में शिकंजी वाला शिकंजी भी लेता हूँ, उसको लोगों को दिखाऊंगा भाई चढ़ जाएगी उसके बिना शिकंजी मिली, मजे करते हैं मेरे को। इस प्रेशा तो आई नहीं, मैं उसके घर बैठती नींबू पानी पी रहा हूँ, और अभी आंटी से मैंने चीज़ मैक्रोनी भी बनाई है, देखते मज़े मारते जब तक प्रेशा नहीं आती। वैसे देखो बढ़िया बढ़िया चीज़ मैक्रोनी, लुक हूज हियर, देखो इसको बनके कैसे जाती है, अभी देखने का प्यार होकर पूरा मेकअप वेकअप करेगी, यही है भाई मेकअप के बिना कुछ नहीं है ये। जा बेटी जा, भाई कहाँ से पसीने लेकर आ रही है, इतना पसीना आता है क्या? मैं तो आज तक कभी कॉलेज गया नहीं, मेरे को तो फीलिंग ही नहीं पता क्या है। ढोसरी मेरी मैक्रोनी छीन के खा रही है, मेरी क्या आती है बच्चू से, वो थोड़ा सैड सैड हो रखा है। क्या कर रहे हो दोनों? तू बैठ जा, तू बैठ जा, क्यों मेरे को और क्या कर रहा है? अरे फज्जू फज्जू, अरे मैं अपने होने वाले बच्चे को क्या बताऊंगा, मैंने सबसे पहले अपने बच्चे के क्या कर रहा है भाई, छोड़ दे यार, माफ कर दे मेरा तो बेचारे को एंजॉय करने दे। नो नो आई एम लड़का, यू लड़का, ब्रो नो, व्हाट हैपेंड टू यू, गोल्डन रिट्रीवर लेकर शिफ्ट ले दूंगा, मेरे को तो छोड़ दे भाई, देखो मस्त लग रहा है भाई, मैं अच्छा लग रहा है इसीलिए फज्जू ने मेरे साथ ये तो नहीं कर दिया शायद। हैं भाई मैं इसके लिए ऐसा गंदा सा बन के आऊँ ना, क्या ही क्या है खाना भाई, मेरे को वो ड्रग्स वाली पेस्ट्री खिला रही, जादू टोना, काला जादू, फिर वाह मैं खाऊँ ना, खूबूंगा मैं, कहीं मुँह को डूबूंगा जल्दी बेटा, क्या इसमें कुछ नहीं, मस्त भाई आउटफिट तो बढ़िया लग रहा है। और मेरे को अभी स्टूडियो से ऐसे सामान लेने जाना है, मतलब थोड़ा मेरे को अपनी शर्ट लेनी है, क्योंकि हम 5 जून को ट्रिप पे जा रहे हैं मस्त वाली जिम कॉर्बेट, और मेरे को अपनी अंगूठी लेनी है, भी रिंग फिंगर, क्योंकि मेरी सगाई होने वाली है ना, मेरी कपड़े लेने जा रहे हैं,
बट मैं एक शर्ट लेने जा रहा हूँ अपनी ट्रिप की। ट्रिप की भी लेंगे अभी। तेरे को पता नहीं मैं क्या अच्छा गाई हो रही है, मेरी रिंग फिंगर आनी है आज। ओहो। खा कसम ज्वेलरी से अभी खा कसम लेने जानी। अबे मेरी शादी फिक्स हो गई है। तो मैं क्या करूं? मानती ही नहीं भाई, कोई विश्वास ही नहीं करता मेरा। अभी दिखाऊंगा तुम्हें। हैं? मैं मान गई, चल हो रही है तेरी शादी, बेचारी लड़की जो भी है बेकिस्मत। कोई नहीं भाई, अभी इसको विश्वास नहीं हो रहा, अभी इसको रिंग दिखाऊंगा ना ज्वेलर्स पे जाकर, तब इसको विश्वास होगा। ले 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 ले। गाइस मजाक कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लड़कियाँ लक्ष्मी होती है, उनको ऐसे पैर जूठा नहीं मारना चाहिए। देखो गाइस मेरे साथ अभी बहुत बुरा सीन हुआ है। ये महाशित मैं ना ऐसे करके जानबूझ के बैठा था, ऐसे हेड डाउन करके, कि इसको लगे कि मैं ऐसे नाराज हूँ इससे। मुझे क्या पता इसने ये बैठा हाई फाई नहीं करते कुत्ते, ऐसा दोनों होते उसे यहाँ हाई फाई करके ढा भाई, इससे जलन हो रही। क्या करती है ये, क्या करते हो आप हैं, क्या करते हो ये, क्या करते हो ऐसे? देखो ऐसे क्यूटी बन जाएगा, बोले खुद ही दो हैं, स्माइल करेगा ऊपर से, स्माइल करेगा। क्यूटी है यार ये, क्यूट सा बच्चा, छोनू सा। देखो ये देखो ये देखो भाई, ये देखो टांग ही लाते हैं। वैसे बेचारा नींद में था, बट मैंने उसको उठा दिया। कितना बुरा आदमी हूँ मैं, अंदर से इतना गंदा गंदा फील हो रहा है मेरे को। मेरे को तो नल में भी जगह नहीं मिली यार। कितना क्यूटी है यार, कितना क्यूटी। पर ये देखो हमारे हैं, यस आई एम मोलेस्टिंग यू, डोंट नो व्हाट हैपेंड राइट नाउ, यू डोंट नो। पता क्या हुआ अभी, देख मैं बताता हूँ। ये ना ऐसे बैठा था, मैं ना ऐसे कुछ रोकती, मैं हेड डाउन करके ऐसे बैठा था ना, ऐसे भी बैठा। इसको लगा कि ना मैं अटेंशन मांग रहा हूँ, ये बैठा मतलब ऐसे बैठा, दोनों हाथों से पकड़ा भट भाई, मेरी कान सूख गया भाई, मैं मर गया भाई। मेरे को यमराज दिख गया था हुआ, तेरे को पता नहीं हुआ क्या अभी। चलो अब हम जा रहे हैं जूडियो पे, वहाँ से एक टी शर्ट या शर्ट लेनी है, उसके बाद मेरी अंगूठी लेनी है, फिर उसके बाद हम जाएंगे थोड़ा खाने। पर अभी तो हम जा रहे हैं पेट्रोल डलवाने। गाड़ी बहुत पेट्रोल पीती है भाई। तो गाड़ी है घोड़ा थोड़ी है, ज्यादा ही पीती है। तो बैटरी वाली ले लू। हाँ। तू रख बैटरी, तू है बैटरी, मैंने चलाता। हेलो फैंस जो बैटरी गाड़ी चलाते हैं। क्यों चलाते हो बैटरी वाली? okay, जब तक इनका जमाना तब तक ये चलाओ। सो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं जूडियो में, अभी चलते हैं ऊपर, कुछ बढ़िया मिल गया तो लेंगे भाई। ऐसे ऐसे फालतू की चीजों पे पैसे नहीं खर्च करने हैं, बहुत पैसे खर्च करने। अरे मतलब ऐसे कुछ भाई, ऐसे कुछ अबे ओ 2 लाख भाई, ऐसे कुछ पसंद वसंद आ गए ना तो देखेंगे। ऐसे फालतू की चीजों पे ऐसे पैसे नहीं खर्च करने। भाई मैं तो इस परस्पेक्टिव से देख रहा हूँ ना, कि मतलब मैं कपड़े तभी देता हूँ अगर मेरे को कुछ आंखों को भाज है। पिंक चल रही है लेकिन यहाँ पे म्यूजिक भी चल रहा है, तो काइंड ब्लॉग। अच्छी अच्छी है गाइस, मेरे कपड़े तो मिले नहीं, इसके मिले ये वाले, अभी ट्राई करने जा रहा हूँ। गाइस पीछे के लिए कपड़े मिल गए, बट मेरे लिए अभी भी नहीं मिले। नाइंसाफी है ये। गाइस पीछे के कपड़े मिल गए, मेरे कपड़े ना मिले जो मेरे लेने थे। अब ये कह रही है मैं बर्थडे पे नहीं पहनूंगी। अबे तू पागल है, तू मेंटल है, तेरा दिमाग खराब है। एज यू ऑल नो कि मेरी एंगेजमेंट फिक्स हो गई है, तो मेरी एंगेजमेंट की रिंग लेने जा रहे हैं। यस गाइस, और अभी इसकी शादी होने वाली है, सो हम इसकी रिंग लेने जा रहे हैं। अरे गाड़ी का लगाओ, जोक्स असाइड, आज तो मार्केट लगी हुई है कोई यहाँ पे। इतना गंदा जाम पड़ा है और हमने यहाँ लगाई हुई है, और हमारा जाना नामुमकिन हो रहा है। जाम में फंस गए हैं, समझ नहीं आ रहा यहाँ से निकले कैसे। गाड़ी हमने गाड़ी लगाई और इस साइड बिल्कुल जाम है, तो हमारा इस साइड जाने का वो स्कोप ही नहीं बन पा रहा है। बट ट्राई करते हैं, ऐसी जगहों पे बाइक पे आना बेस्ट रहता है। बेस्ट
बट आज इतनी गर्मी मन ही नहीं हुआ बाइक से आने का। हमने कहीं भी गाड़ी लगा दी भाई, रियलाइज भी नहीं हुआ। हमने एक रेस्टोरेंट के सामने गाड़ी लगा दी और वो उसका गार्ड में देख रहा था कि मतलब निकाल रहा है। हमने जल्दी जल्दी भगा ली। कैसा किया? अरे कोई बात नहीं ना, 5 मिनट में तो आ रहे हैं, कौन सा उसको कुछ हो जाए। 5 मिनट का काम तो नहीं है, एंगेजमेंट रिंग लेनी है, ऐसे फालतू का काम नहीं है। कौन सी बनवा के पहननी है, सब वही करना है। गाइस फाइनली एंगेजमेंट रिंग ले ली। मजाक करो, कोई एंगेजमेंट रिंग नहीं है ऐसे ही भाई। मैं पहनता था बचपन से मोती, क्योंकि मोती मेरे को पंडित जी ने बोला था कि पहना करो, तो मैं पहनता हूँ। तुम्हारा ना जो दिमाग है ना थोड़ा तंगी और गर्म है, तुम कभी भी किसी पे भी उछल पड़ोगे तो पहन ले लिया। अभी वहाँ से वहाँ पर ब्लॉग नहीं करा क्योंकि ऐसे थोड़े नहीं अच्छा लगता ना ज्वेलरी में जाके ब्लॉग करना। ज्वेलरी कॉपी करना चाहते हो इसलिए यहाँ पे वीडियो बना दो जाने। ऐसे रीजन तो बिल्कुल भी नहीं था, मेरे को शर्म आ गई वहाँ ब्लॉग करने में। सो गाइस अभी हम पहुँच गए एट द शोरमा स्टॉप। मैंने आपको बताया नहीं बट हमें बहुत भूख लग रही थी और प्यास लग रही थी तो हम शोरमा खाने आ गए। ये क्योंकि हम बुक्कड़ हैं, हम जा भी जाते हैं। हमसे बड़ा बुक्कड़ कोई हो ही नहीं सकता। अभी हम जा रहे हैं, हम बार का खाते हैं, अभी हम देखते हैं वहाँ पे क्या खाएंगे। और भाई आई एम रियली वेरी सॉरी, लास्ट व्लॉग में मेरे को पता नहीं था इसने गालियाँ कटनी करी, उसमें अनकट वर्जन चला गया और मैंने उसको बहुत चलाया था। पता चल गया भाई कोई ऐसी नहीं है। वो हुआ क्या था, एक बाइक वाला था वो पीछे पीछे आ जा रहा था तो गलती हो गई। कोई बात नहीं, सब देते हैं, कोई बात नहीं, नॉर्मल है, ठीक है, कोई बात नहीं। क्या हुआ? आज चल गया भाई। तो गाइस इसके मोमोज आ गए हैं और गाइस मेरे शोर गाइस हम बहुत थक गए थे तो खड़े तो हम ऐसी गाड़ी में लगे। मैंने तो अपने मोमोज खा लिए थे, बस एक बचा था मैंने वहीं छोड़ दिया क्योंकि भाई इतने हैवी मोमोज कुछ इतने बड़े बड़े। अरे यार कॉपीराइट। हाँ बता। तो अब एंजॉय करूंगी आराम से एसी में, खाऊंगी थूक दूँ इसमें। अभी चलना। सो गाइस मेरे कभी अंदर का सिंगर कौन कब बाहर आने देगा? नहीं आने दे सकते बाहर, बहुत इरिटेटिंग है। मेरे को सिंगर ही तो बनना था। इतनी गंदी आवाज लेके आ गया, पता नहीं कहाँ से उठ के आ गए थे। इतनी गंदी आवाज, कान ही फट गए, खून आ गया मेरे कानों से। दिखा खून, दिखा वो खून ना आ रहा, निकाल दूं फिर देखूंगा। गाइस आज ना अभी मेरी मम्मी का फोन आया कि मैं आज होम अलोन होंगी तो डिनर कुछ खाने तो बता दो। तो मैंने कहा चलो मैं कुछ पैक करा के घर ले जाती हूँ ताकि मेरा डिनर हो जाए और अच्छा। मैंने अभी बताया कि मैं आज होम अलोन हूँ तो मैं डिनर पैक करा के ले जाती हूँ। चिकन बिरयानी पैक करा दिया। तो गाइस अभी हमने पैक करा लिया मेरा डिनर और अभी हम जा रहे हैं थोड़े से चिप्स विप्स खरीदने, फिर हम जाएंगे घर और घर जाके करेंगे एडिटिंग और मैं करूँगी बहुत सारा काम। और बस यही जिंदगी है, काम करते रहते हैं गाइस। तो अभी चलते हैं और चिप्स लेंगे। स्टोर पहुँच चुके हैं और बस ऐसे चिप्स विप्स लेना, जरूरत का सामान ज़्यादा कुछ नहीं लेना, सिर्फ फालतू बस चिप्स विप्स लो, बिस्किट विस्किट लो, निकलो। बस मेरे को तो ज़्यादा चिप्स नहीं, मैंने ये अंकल चिप्स लिए और ये लिए और इसने दो चिप्स लिए और बिस्किट का पैकेट लिया। और आज मेरे को एक दो मिनट बिस्किट भी देखने, एक नमकीन देख रही नॉइस गाइस अपना कमेंट देख रहे हो, अपना कमेंट देख रहे हो। एक फ्लोर जाने के लिए हमने लिफ्ट लिया, इंडिया। हेलो सीसीटीवी कैमरे को कैमरे से किसी दे दे। ओके ब्रा। सो ओके गाइस जिंदगी का वो एक मुश्किल पहाड़ आ गया है जहाँ हमें आप लोगों को फिर एक बार बाय बोलना पड़ेगा जो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फिर इसी के साथ मुझे ये व्लॉग एडिट करना पड़ेगा। कर लेना तो क्या होगा, कर लिया तो मर जाएगी तू, मर जागी तू, मर जागी क्या, मर जागी। कर ले एडिट, क्या हो जाएगा, पूरी जिंदगी मैंने एडिट किया तो तू कर लेगी तो क्या हो जाएगा। ऐसे क्यों हंसती है।
ओके गाइस दिस इज अ ब्लॉग को एंड करता हूं। अगर आपको पसंद आया हो तो इस तरह आपको ब्लॉग को पसंद आया तो मेक श्योर यू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। ओके ओके बाय 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 तो हो गया। ये को 40 करा रहा है। ओ बिजनेस डोंट वॉच हिम गाइस प्राइवेसी दे दो बस। ओके okay.